वहीं अजीत डोभाल लगातार तीसरी बार बनाए गए एनएसए। पहली बार 20 मई 2014 को बने थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अजीत डोभाल को काउंटर टेररिज्म का एक्सपर्ट माना जाता है। वजीर आजम के सेक्रेटरी जनरल बने रहेंगे पीके मिश्रा। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि अजीत डोभाल को तीसरी बार एनएसए बनाया गया है। पहली बार 20 मई 2014 को उन्हें एनएसए बनाया गया था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उन्हें बनाया गया था, और अब तीसरी बार एक बार फिर उन्हें वही ओहदा दिया गया है। अजीत डोभाल को काउंटर टेररिज्म का एक्सपर्ट माना जाता है और इसी वजह से एक बार फिर तीसरी बार जब मोदी सरकार आई है तो उन्हें ये ओहदा एक बार फिर से नवाजा गया है। तो वजीर आजम के सेक्रेटरी जनरल बने रहेंगे पीके मिश्रा। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे टर्म में अजय डोभाल को फिर से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है। बता दें कि अजीत डोभाल तीसरी बार भारत के एनएसए बनाए गए हैं। रिटायर्ड आईएएस अफसर पीके मिश्रा को वजीर आजम के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर मुकर्रर किया गया है। उनके तकरीरी पीएम ऑफिस में की गई है। बता दें कि अजीत डोभाल और पीके मिश्रा का मुद्दतकार वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ ही पूरा होगा और इस बाबत एक लेटर जारी भी कर दिया गया है कि कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने अजीत डोभाल को एनएसए के तौर पर तकरीरी दी है।